इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मानने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। फिर निकालो ना भी, 1-2 हजार लोग दिए उनके बॉन्ड्स, 3 अरब, उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते, फिर बहुत से बार हम डिसेंट नोट देना पड़ता है। क्यों? कि सच उनके सामने रखे, फैक्ट्स भी रखे तो बाजू निकाल देते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं रमेश जी, क्या है आपके? ठीक है लिखो। ये मेरा अनुभव में बोल रहा हूँ, मैं भी 7-8 साल वो काम किया हूँ, तो ऐसा चलता है, सलाह मसूरा नहीं होता। या उन जिन कैंडिडेट को वो प्रपोज करते हैं उससे भी बेहतर कैंडिडेट है तो भी उसको नहीं लेता। ये अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो लिस्ट का पता चलेगा अगर जल्दी, वो बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, इनके पास इनसे भी मदद अगर नहीं लिए और वो अपने आप प्रिंट करके बॉन्ड्स बना लिए हैं तो बात हो रही है कि, लेकिन आज वो एसबीआई कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये देखो लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है, ये सिर्फ इन्हें गिने लोग दिए सो है, आप उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो, तो वो भी वो नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे उनका ये। और मीडिया रिपोर्ट से ये तो अब उजागर हो गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये रेड डलवा कर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे, तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना। तो ये मौके और उन्होंने रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो खुद जवाब दे ही है, और ये उनका अगर क्लियर मंशा है, साफ नियत, नियत अगर साफ है तो जरूर बता सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, अरे भाई पहले तुम तो खुल के आओ, तुम तो बता दो, वो नहीं बताएंगे, भाषण करते करते कितना फिरेंगे। अब तो क्या है, हिंदी छोड़ दिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, आसामी, बंगाली, सब भाषण में भाषण। क्या लोग इतने बेवकूफ है, नहीं समझते? अरे आपने देख देख कर बोल रहे हैं, किसी का आवाज पीछे है, लोगों को मालूम नहीं होता वो प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किसका है। तो ये चीजें ऐसे, मैं मेरे 53 साल में बहुत से प्राइम मिनिस्टर के भाषण सुना, कोई पीछे बोल रहा है और इन्हों कनाडा में इन्हों बोल रहे हैं,
तमिल में बोल रहे हैं, तेलुगु में बोल रहे हैं, मलयाली में बोल रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे भैया आर्टिफिशियल, कहीं उसकी कुंजी खो गई आर्टिफिशियल थी तो आप पूरा बंद हो जाता, अगर बटन गलत दबाए खत्म होता। तो इसीलिए ये चीजें वो करें है। अंत में समाप्त करने से पहले आप मुझे और 2 मिनट देना चाहिए, मैं आपका लूंगा। इसलिए लूंगा कि 25 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी, उसका मैं कोट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर बाद में उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है, क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा। ये बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था, विचार बिंदु ये है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था, क्या वो उसे दूसरी बार खो देना चाहता है। ये तथ्य मुझे व्यतीत करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का ये भी एक विश्वासघात है, लोगों को तोड़ने का, लोगों को अलग करने का। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति वो धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त, धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे, यानी संविधान के खिलाफ बोलने वाले भी होंगे। तब उन्होंने यही कहा, जाति और धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारों वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे? भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश के ऊपर समझेंगे, मैं नहीं जानता। परंतु यह सत्य है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वो हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है, हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है, हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सुपुर्द करते वक्त उन्होंने ये कहा था। ऐसे देश के लिए, देश को एक रखना, एकता से रखने के लिए उन्होंने तकरीर की, लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें सूचित किए अनेक विषयों को आज आरएसएस बीजेपी खत्म करना चाहती है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और इधर बीजेपी आरएसएस को अपना काम करने दे रही है।
इसीलिए मैं कहूंगा इसका हम खंडन करते हैं। अगर कोई संविधान बदलने की कोशिश करेगा तो इस देश में पूरा बहुत बड़ा हंगामा होगा। मैं चाहता हूं कि देश हिल के रहना है, मिल के रहेगा, एकता से रहेगा। हम सारे लोग कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान को बचाने। जो वोट डालता है वो सब गिनेंगे बस, हमारा और दूसरा कुछ नहीं। जो लोग वोट करते हैं, जो वीवीपैट आती है, तो 100% गिनो। क्या तकलीफ है आपको? उसके ऊपर भी उनका कोई उत्तर नहीं है। फिर पीएम साहब खुद नहीं कहते कुछ, दूसरों से कहलाते, ये बड़ा अजब है। अरे तुम कैसा, हमारे पास कहावत है, या तो मैं माफ करना, मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ। वो तो क्या करते हैं कि एक तरफ बच्चे को चिमटा देते हैं, दूसरे तरफ फिर उसको थोप देते हैं, कह रहे मत रो मत रो। ये नीति है उनकी, इधर बोलने का, अरे तुम बोलते जाओ, मैं समझाते जाता हूँ, यही कर रहे हैं।